नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी के कई क्षेत्र हुए बाढ़ प्रभावित, आला अधिकारियों ने क्षेत्रों में पहुंचकर लिया जायजा। माँ कुष्मांडा के वार्षिक श्रृंगार पर आयोजित समारोह की दूसरी निशा में बही संगीत की त्रिवेणी। लोक समाज पार्टी ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। और वुमेन्स एरा व साक्षी क्रिएशन द्वारा आयोजित हुआ भव्य तीज उत्सव। और अब खबरें विस्तार से। वाराणसी में काफी तेजी से गंगा व उसकी सहायक नदी वरुणा में पानी बढ़ रहा है। वहीं लोगों के घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाने से उन्हें काफी परेशानियां हो रही हैं। वाराणसी में माँ गंगा अपने रौद्र रूप में है। चेतावनी बिंदु पार करके गंगा और उनकी सहायक नदी वरुणा बह रहे हैं। ऐसे में तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि अस्सी घाट पर पानी रोड पर आ गया है। सुबह बनारस मंच की केवल छत दिखाई दे रही है। वहीं लोग बिना डर भय के गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं। कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। वहीं संगमपुरी कॉलोनी नक्की घाट, अस्सी भागवत विद्यालय के पास सामने घाट, गंगोत्री विहार कॉलोनी, नगवा रमना विश्व सुंदरी पुल के नीचे, यह सभी स्थान बाढ़ की चपेट में आ गए हैं और इन इलाकों में रहने वाले लोगों के घर में पानी प्रवेश कर गया है। ऐसे में लोग घर की छतों पर रहने के लिए विवश हैं। वहीं नमो घाट पर स्मार्ट सिटी के द्वारा सूचना बोर्ड लगाया गया है। घाट पर टहलना सुरक्षित नहीं है, ये चेताया गया है। 5 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है। वाराणसी के नक्की घाट में जिन जगह पहले मोटरसाइकिलें चलती थीं, वहां पर प्रशासन ने 5 नाव का बंदोबस्त कराया है। इन्हीं नाव की सहायता से बाढ़ में फंसे लोग जरूरत के सामान लेने के लिए आ रहे हैं। वहीं प्रशासन से यथासंभव मदद करने के लिए कहा गया है। बाहर भी बने आओ जल्दी कूदा। ऊंचा ऊंचा कर रहा, चौकी पे चढ़ा था। हम लोग को हर 2-3 साल बाद बाढ़ आ जाता है। ऊपर भी बनवा लिए तभी भी परेशानी होता है। छत पे पन्नी वन्नी का थोड़ा व्यवस्था होता है। इधर हम लोग को कुछ राशन पानी का व्यवस्था होता, कोई आए देखे, लेखपाल वगैरह आ जाते तो थोड़ा हम लोग को कुछ राहत मिल जाता बाढ़ पीड़ित में। और सामान हटा बढ़ा रहे हैं तो हम लोग को छत पे नीचे बाढ़ है, ऊपर से बारिश आता है तो बहुत दिक्कत हो जाता है। अब ज़्यादा आएगा पानी तो हम लोग कहीं हेल नहीं पाते, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कतें हो जाती है। अब हम लोग यही है लेखपाल साहब को कि थोड़ा सा हम लोग का एरिया भागवत विद्यालय के पीछे नाला के पास आके हम लोग का थोड़ा सा मजबूरी देखें, इधर का समस्या का थोड़ा कुछ सावधान करें, थोड़ा पन्नी वगैरह कुछ चीज़ का, थोड़ा नाव वाव का, कोई नाव भी नहीं आता है, जाल पड़ गया है। यहाँ पे रामेश्वरपुर के पास हम लोग को बहुत से दिक्कतें होती हैं। नाव एकदम नाव आना ही बंद हो गया है। पहले थोड़ा सा भी पानी आता था तो नाव आ जाता था, हम लोग कहीं भी जा सकते थे। अब इधर उधर पानी है, कैसे जाएं खेलने में। बहुत पर साल भी 2003 आया था, दो
21 में तो बहुत मेरी लड़की बीमार थी, जाके हम नाम इमरजेंसी में भर्ती कराए, पूरा छाती भर पानी हिल के गए थे, गोयनका में भी गए थे, लेकिन बच्चे आधा लोग इधर आधा लोग इधर टंग जाते हैं, घर के परिवार लोग तो इधर इसी से हम लोग छोड़ के नहीं, बेटी पतों को लेके हम चार लोग में कहाँ जा पाए। चारों तरफ से हम लोग पानी में घिरे हुए हैं, घर में भी पानी आ रहा है, चारों तरफ पानी है पानी है, कोई साधन नहीं है, कोई सामान नहीं है, क्या किया जाए, हम लोग बहुत परेशान हैं। प्रशासन की तरफ से कोई मदद? प्रशासन के तरफ से कोई मदद मिलना चाहिए हम लोग को। आज जो है बाहर पानी आया हुआ है, घर में पानी भर गया है, सांप बिच्छी का बहुत समस्या है, दो दिन पहले मरम्मत निकला है वहाँ धोने का, प्रशासन अलर्ट है, प्रशासन काम कर रही है, लेकिन बहुत धीमा है, कोई लापरवाही है। घरों का क्या हाल है? घरों में सर सांप घुस रहा है, बिच्छी घुस रहा है, सामान वामान सामान सर लेकर जा रहे हैं, जहाँ किराए पे मिल जाएगा वहाँ ले रहे हैं। अच्छा, लोग पलायित भी हो रहे हैं? हाँ सर। ये एग्जैक्टली वही जगह है जहाँ पे कि पिछले साल जब कोविड का वो चल रहा था, तो सरकार ने जो है वो नगर निगम ने पीछे हमारे यहाँ ये गंगा जी की तरफ हमारे ही घर के जस्ट सामने वो कोविड घाट बनाया था दाह संस्कार के लिए, तो भी एक बड़ा समय था, आपदा थी, और बड़ा अच्छा अरेंजमेंट सरकार ने करवाया था यहाँ पे, साफ सफाई का भी और डे नाइट यहाँ पे उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था, इट वॉज वर्थ प्रेजिंग कि इतना अच्छी तरीके से उन्होंने किया था। और आज यहीं पे देखिए गंगा मैया हमारे घर पे ही आई हुई हैं, और ये पहले तो 15 साल में एक बार आती थी, लेकिन अब ये है कि 3-4 साल में रिपीट हो जाता है। हम लोगों को यहाँ पे किसी तरह की उस वक़्त भी कोई दिक्कत नहीं थी और अच्छा ही था, और लोगों को भी जो थोड़ा बहुत ज़रूरत होती थी हमारे यहाँ से वो मिल जाता था, क्योंकि ये खुला हुआ दरवाज़ा है कि पानी की व्यवस्था और कभी फूल वूल चाहिए होता था तो वो लोग ले लेते थे। और आज के समय में ये गंगा जी हमारे घर में ही आ गई हैं, तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, वी फील लाइक वी आर इन डल झील, लाइक श्रीनगर में हैं, बोट पे ही हैं, और पूरा दिन हम लोगों का अच्छी तरह से गुजरा, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। ज़्यादा पानी जब आ जाता है तो सरकार की तरफ से नगर निगम की तरफ से उनकी बोट्स आती हैं और वो पूछ के जाते हैं, इधर से आगे तक जाते हैं, पूछ के जाते हैं, सामान लेके आते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो दिनचर्या की तो वो दे देते हैं, लेकिन वी डोंट हैव वी हैव एवरीथिंग स्टोर्ड हियर, और सारी चीज़ें मिलती ही रहती हैं। बाकी जब बहुत ज़्यादा पानी, 2013 में हो गया था कि हम जहाँ खड़े हैं इसके ऊपर भी करीब 2 फीट पानी था, तो फिर लोकल बोट अवेलेबल रहता है, आपको कहीं जाना है तो बोट से चले जाइए। पानी का थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि पंप हम लोग बिजली काट देते हैं तो पंप नहीं चलता, तो उसके लिए थोड़ा सा होता है कि भाई खाना वाना बनाने के लिए पानी हम लोग बिस्लरी वाटर पास से ही मंगवा लेते हैं या जाके ले लेते हैं बोट से। इस समय गंगा का जल स्तर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि सारे लोग इस समय जो है घबराए हुए हैं, और नाले जो बने हुए हैं उस नाले के माध्यम से आप देखेंगे कि सारे कॉलोनियों में पानी भरना शुरू हो गया है और क्षेत्र की जनता काफ़ी त्रस्त है। हालांकि कल से प्रशासन भी अपने अलर्ट में है और सारे लोगों को सूचना दे रही है कि आप सब लोग अलर्ट हो जाइए, अभी गंगा का जल स्तर बढ़ने वाला है, तो जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार से यही निवेदन है कि सारे लोगों को व्यवस्थित सुव्यवस्थित स्थान पर पहुंचाने का काम करें जिससे क्षेत्र की जनता कोई तकलीफ न हो। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों नक्की घाट सरैया पुल का जायजा लेने मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। इनके साथ जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा, मंडल आयुक्त दीपक अग्रवाल, NDRF के आला अधिकारी व भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा इत्यादि लोग मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया और लोगों को हर संभव मदद करने की बात कही। इसके साथ ही लोगों को चेतावनी भी दी गई। बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन पिछले 10 दिन से अलर्ट मोड में है। पहले भी एक हफ्ते तक पानी राइज हुआ था, उसके बाद कम हो गया था, तब भी 4 कैंप चलाने की आवश्यकता पड़ी थी। अब पानी बढ़ने की वजह से अभी हमारा वार्निंग लेवल क्रॉस हो चुका है,
डेंजर लेवल अभी भी गंगा में नहीं बढ़ा है। जो राइजिंग ट्रेंड है वो 2-3 सेंटीमीटर का ही है, तो उम्मीद है कि आज रात तक या कल सुबह तक हमारा डेंजर लेवल अचीव होगा। उसके हिसाब से 11 कैंप में अब तक लोग आ गए हैं, 1290 लोग रह रहे हैं, 40 कैंप लास्ट ईयर भी चले थे, इस साल भी पूरी तैयारी है, सभी पे व्यवस्थाएं हमारी पूरी है। जैसे जैसे पानी बढ़ेगा उन लोगों को वहाँ पे शिफ्टिंग कराई जाएगी, जो लोग शिफ्ट नहीं हो पाएंगे जिनके 2-3 मंजिला मकान है उनको वहीं पर राहत किट अवेलेबल करवाई जाएगी। एक बार हम लोग देखें कितना नुकसान है, कितना हानि है, देश के प्रधानमंत्री चिंतित हैं और काशी के क्षेत्र के वह जब से यह सूचना उनको मिली चिंतित, क्योंकि उनको गरीबी का एहसास है, गरीबी क्या होती उन्होंने देखा है, इसलिए बाढ़ राहत सामग्री जो बाढ़ आई है, लोग किसी को तकलीफ न दुख हो इसकी हम लोग चिंता कर रहे हैं, अभी हम लोग किए हैं। बाकी यहाँ कैंप है, बाकी जिनको ज़्यादा कठिनाई उनको कैंप में रखा जा रहा है, उनके भोजन सब सुविधाएँ हैं सभी प्रकार की, और घर में इनको राहत सामग्री पर्याप्त दिया जा रहा है। दुर्गाकुंड स्थित माँ कूष्मांडा के वार्षिक श्रृंगार पर आयोजित समारोह की दूसरी निशा में संगीत की त्रिवेणी बही। दुर्गाकुंड स्थित माँ कूष्मांडा के 7 दिवसीय वार्षिक श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन गुरुवार रात कलाकारों ने गायन वादन और नृत्य से दरबार में हाजिरी लगाई। कथक ने जहां आकर्षित किया, वहीं बहन और बांसुरी सितार वादन ने रस घोला। दूसरी निशा का आगाज नैनिका घोष के कथक नृत्य से हुआ, उन्होंने भगवती की नृत्य वंदना की। वहीं पंडित रुद्र शंकर मिश्र बनारस घराने के नृतक ने पारंपरिक नृत्य के बाद भाव संप्रेषण के माध्यम से दर्शकों को खींचा। उनके साथ तबले पर उदय शंकर मिश्र और सितार पर ध्रुवनाथ मिश्र ने संगत की। गायिका सुचारिका गुप्ता ने भजनों की सुमधुर प्रस्तुति से भक्तों को झुमाया। उनके कजरी गायन ने अलग ही माहौल बना दिया। इससे पूर्व माँ का मोती, स्फटिक, पुखराज, माणिक व मूंगा जैसे रत्नों की माला से विशेष श्रृंगार किया गया। पंडित कौशलपति द्विवेदी ने आदिशक्ति का श्रृंगार किया। आरती पंडित संजय दुबे ने की। माँ भगवती की आरती के दौरान काशी के विभिन्न डमरू वादक दल के सदस्यों ने डमरू वादन किया। कार्यक्रम का संचालन गीतकार कन्हैया दुबे ने किया। इस मौके पर महंत पंडित राम नरेश दुबे, संजीव दुबे, कृष्णा प्रसाद दुबे, दीपू दुबे आदि उपस्थित रहे। समारोह की तृतीय निशा 26 अगस्त को तमाम कलाकार शिरकत करेंगे। शुक्रिया मित्रों, कथरूपत गायनों का सौरभ गौरव का कथक हुआ, विदुषी वृंदा शर्मा का गायनों का, पंडित राजेंद्र धरना जी का बांसुरी वादनों का जो दिल्ली से पधारे हैं, डॉक्टर प्रभाकर कश्यप और डॉक्टर दिवाकर कश्यप जी का गायन होगा, प्रोफेसर डॉक्टर राजेश साहब जी और डॉक्टर राम शंकर जी, पंडित पूरण महाराज जी, श्रीदेव नारायण मिश्र जी, श्री अवंतिका मिश्रा जी, श्री दिव्यांश श्रीवास्तव जी, श्री नवनीता घोष जी का कार्यक्रम कल की भेंट में है। अर्थात की 26 तारीख को यहाँ पधारेंगे माँ के दरबार में, और 27 तारीख से लोक संगीत का कार्यक्रम, और 27 तारीख को भोजपुरी के जाने माने कलाकार मनोज तिवारी मित्र जी होंगे। लोक समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसीएम फर्स्ट को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि जिस तरह से बीजेपी सरकार में महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी और नई शिक्षा नीति लाई जा रही है, उसके खिलाफ हम सब प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी सब को लेकर हमारी पार्टी विरोध कर रही है और अब हमारी पार्टी इस सरकार को उखाड़ कर फेंकने का कार्य करेगी। किस लिए आज ज्ञापन दिए हैं, क्या मांगे हैं? लोक समाज पार्टी के माध्यम से हम लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण, ठेकेदारी और नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन करके और जिलाधिकारी के माध्यम से भारत सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं। बात की जाए, बहुत सी पार्टियां आए दिन आंदोलन कर रही हैं, सरकार नहीं सुन रही है, आपका क्या रहेगा रणनीति? देखिए, आपने अभी एक घटना बिहार का देखा, जहां पर इस देश की राजनीति में शून्यता थी, वहां पर एक अंकुर फूट गया। तो देखिए, थोड़ा इंतजार कीजिए, 2024 में हर हाल में ये सरकार बदल जाएगी। क्या लगता है कि आपकी पार्टी ही एक मंत्र है कि जो सरकार को चेंज करने का? देखिए, हम लोगों के साथ जो अन्य सिमिलर पार्टियां हैं जिनका विचारधारा निजीकरण, बेरोजगारी के
खिलाफ है उनके साथ हम कंपैक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं अगर वो चाहते हैं तो ठीक है जैसा चलना चलेंगे। डेफिनेटली 2024 में भारत सरकार का जो राजनीतिक किला है उसको दरका दिया जाएगा और 2027 में यूपी में लोक समाज पार्टी की सरकार बनवा देंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सभी विषयों के साथ बीएससी एवं बीकॉम, वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahlad Ghat, Varanasi. मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल एप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वुमेन्स एरा व साक्षी क्रिएशन द्वारा भव्य तीज उत्सव का आयोजन हुआ। वुमेन एरा ब्यूटी पार्लर व साक्षी क्रिएशन के तत्वाधान में भव्य तीज उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर महिलाओं हेतु विविध प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं जिसमें उपस्थित महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। तीज उत्सव के दौरान महिलाएं पारंपरिक परिधानों में मौजूद रहीं। इस कार्यक्रम के दौरान एक से बढ़कर एक गीत नृत्य इत्यादि की प्रस्तुति की गई। महिलाओं ने भजन कजरी गीतों की प्रस्तुति से सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस दौरान रजनी जायसवाल ने कहा कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं में ऊर्जा का संचार करना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम में महिलाओं ने न सिर्फ मौज मस्ती की बल्कि तीज की प्राचीन परंपरा और इस व्रत के महत्व के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को तीज क्वीन के खिताब सहित उपहार प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रेणुका, इला, रीता, प्रकाश शारदा, नीतू सिंह, साक्षी मल्होत्रा, स्वीटी केसरी, मीरा मल्होत्रा, अंजना झा सहित बड़ी संख्या में सदस्याएं उपस्थित रहीं। रह चुकी है, आपके पास 2 साल के बीएचयू के कल्चरल इंचार्ज होने का अनुभव भी है और वर्तमान में आप आईडब्ल्यूसी सृष्टि की कोषाध्यक्ष भी हैं। आपके बारे में मैम, जो महिलाएं अपनी शक्ति से ना पिया मेहंदी ले आई तम।
रंजनी जी, किस तरह का आज ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है? आज ये हरतालिका तीज जो भादो मास में करते हैं, शिव और पार्वती की प्रेम और पूजा और विवाह और विश्वास का जो त्यौहार है, उसी त्यौहार के उपलक्ष्य में हम सारी महिलाएं सज सवर के सुंदर बन के इस आयोजन के लिए यहाँ इकट्ठा हुआ है। क्या संदेश दे रहे हैं इसके माध्यम से? संदेश ये दे रहे हैं कि सबका सौभाग्य अखंड रहे, सबकी चूड़ियाँ सबके हाथों में खनकती रहे, बाबा विश्वनाथ की माता गौरी की कृपा हम सबको इस हरतालिका तीज के अवसर पर प्राप्त होती रहे। क्या क्या करेंगे आज आप लोग? आज हम लोग विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, जैसे कि हमारी जो तीज क्वीन है, 16 श्रृंगार क्वीन है, और डांस परफॉर्मेंस, आध्यात्मिक गीतें और कजरी गीत, उसके संग संग कुछ विशेष तीज और सुहागन के गीत होंगे। यही सब हमारा आयोजन है। पुरस्कृत भी किया जाएगा क्या? हाँ, यहाँ पे महिलाओं को प्रतियोगिता में पुरस्कृत किया जाएगा। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा गोवर्धन धाम मंदिर में प्रभु श्री कृष्ण की षष्ठी मनाई गई। गोवर्धन धाम में भजनामृत संध्या विशाल भंडारे के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव की षष्ठी मनाई गई। गोवर्धन पूजा समिति द्वारा गोवर्धन धाम मंदिर में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण का भव्य आकर्षक श्रृंगार किया गया व महिलाओं द्वारा भजन सोहर गाकर श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की महाषष्ठी आयोजित की गई। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन कर श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। गोवर्धन पूजा समिति अध्यक्ष अशोक यादव, विनोद यादव ने सभी उपस्थित लोगों का स्वागत किया। कार्यक्रम में भोला यादव, कैलाश यादव, विनीत यादव, पुरुषोत्तम यादव, शिवाधार यादव आदि लोग रहे। धन्यवाद ज्ञापन सीताराम यादव व संचालन पारस यादव द्वारा किया गया। किस तरह का ये कार्यक्रम आज चल रहा है? श्री कृष्ण जन्माष्टमी हम लोग मनाए थे, उसकी छठी, भगवान की छठी आज हम पूरे परिवार, पूरे कुटुंब, पूरे समाज के साथ आज गोवर्धन धाम पे मना रहे हैं। इसी कार्यक्रम में सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। प्रोग्राम में यहाँ एक तो मथुरा वृंदावन से झांकी आई है, वो झांकी होगा, भगवान का भजन होगा। कुछ महिलाएं अभी आपने देखा होगा कि सोहर गाई हैं, वो अपनी मंडली बनाकर सोहर गाई हैं। अभी हम लोग कुछ मथुरा वृंदावन से आए हैं महंत जी लोग, उनका स्वागत भी करेंगे और प्रसाद वितरण भी होगा। क्या संदेश देते हैं इस कार्यक्रम? हम लोग समाज को जोड़ने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारा समाज एक तो भगवान के भक्ति में लीन हो, जो नई पीढ़ी आ रही है वो भक्त कम हो रहे हैं और भक्ति कम पड़ रही है, उनको समाज के साथ भगवान में लीन करने के लिए और समाज एक साथ ये कार्यक्रम मिलजुल के करे, भाईचारा बने रहे, एक नया संदेश जाना चाहिए। कृष्ण के जन्म पर जितनी भी चीज़ें हैं, गीता भी हम लोग यहाँ बांटेंगे, बच्चों को उसके बारे में भी बताएंगे
क्योंकि नई पीढ़ी के लिए गीता का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर डीएवी पीजी कॉलेज में स्मरण गोष्ठी आयोजित हुई। समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था के विरुद्ध समतामूलक समाज की स्थापना ही सामाजिक न्याय की उपयुक्त अवधारणा है। यह विचार सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे स्वर्गीय पीएन सिंह यादव की 18वीं पुण्यतिथि पर डीएवी पीजी कॉलेज में आयोजित स्मरण गोष्ठी में प्रख्यात समीक्षक प्रोफेसर चौथी राम यादव ने बतौर मुख्य वक्ता कही। सामाजिक न्याय की अवधारणा एवं हाशिए के लोग विषयक स्मरण गोष्ठी में बोलते हुए प्रोफेसर चौथी राम यादव ने कहा कि समाज में छुआछूत भेदभाव को खत्म करने की लड़ाई की शुरुआत बुद्ध के समय हुई थी। उसी लड़ाई को स्वर्गीय पीएन सिंह ने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था। उनकी यह लड़ाई समाज में वैमनस्य चाहने वालों को रास नहीं आई और उनकी निशंस हत्या कर दी गई। इस दौरान अतिथियों द्वारा स्वर्गीय पीएन सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। संचालन प्रोफेसर समीर कुमार पाठक, विषय स्थापना डॉक्टर पारुल जैन एवं धन्यवाद ज्ञापन प्रोफेसर सत्य गोपाल जी ने किया। इस अवसर पर समस्त अध्यापक एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमारे जो पूर्व प्रबंधक थे स्वर्गीय श्री पीएन सिंह यादव जी, उनकी 18वीं पुण्यतिथि है। श्री पीएन सिंह यादव जी हमेशा से ही अपने जो छात्र जीवन था उसके बाद से ही, जब से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, सामाजिक न्याय के लिए तत्पर लड़ते आए हैं। समाज में अन्याय वो किसी भी तरह का बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और वो हमेशा सत्य के साथ रहते थे और कोशिश ये करते थे कि जितने भी ऐसे वर्ग हैं जो हाशिए में आते हैं, हाशिए के लोग खासकर, वो कहते थे किसी भी तरह का अन्याय उनके साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ऐसा करते करते उनको, बहुत लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आती थी और बड़े दर्दनाक तरीके से उनको हमसे दूर भी किया गया, लेकिन उनके दिखाए रास्ते पे आज कॉलेज यहाँ तक पहुँचा है, जिसकी हमें बड़ी प्रसन्नता भी है। और उसी के परिपेक्ष में आज उनकी पुण्यतिथि पर हमने प्रोफेसर चौथी राम यादव, जो कि पूर्व अध्यक्ष रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के, उनका एक व्याख्यान आयोजित किया है। सर का व्याख्यान सामाजिक न्याय एवं हाशिए के लोग पर हैं। सर का भी इस पे, यादव जी का भी बहुत काम है, तो इसीलिए डीएवी पीजी कॉलेज ने ये सोचा था कि भाई उनका व्याख्यान कराएंगे। और इस व्याख्यान की अध्यक्षता हमारे प्राचार्य डॉक्टर सत्यदेव सिंह कर रहे हैं तथा सानिध्य में हमारे मंत्री प्रबंधक डॉक्टर श्री अजीत सिंह यादव जी हैं और इसमें समस्त शिक्षकगण ने भाग लिया है और सब उनका सुनना चाहते हैं व्याख्यान। धन्यवाद। भेलूपुर नगर निगम कार्यालय में सम्मान समारोह आयोजित हुआ। स्नेह सम्मान और प्रेम की श्रृंखला में लगातार 5 वर्षों से पेशकर भेलूपुर के पद पर कार्यरत अरविंद चौबे का स्थानांतरण नगर निगम अभिलेखागार कार्यालय में हुआ। वहीं भेलूपुर में उनके सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों तथा सहायकों द्वारा फूलमालों से उनका अभिनंदन किया गया व मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी गईं। वहीं कष्टहरण मंगलकरण गणेश जी की प्रतिमा के साथ योग की एक अमूल्य पुस्तक प्रदान की गई। इस दौरान शिवजी तिवारी ने कहा कि नगर निगम के 40 वर्षों के इतिहास में स्थानांतरण का ऐसा अविस्मरणीय अतुलनीय समारोह कभी नहीं हुआ। आइए, नगर निगम भेलूपुर जोन में किस प्रकार का जो है सम्मान समारोह और किसका सम्मान समारोह हुआ है? आज भेलूपुर जोन में हमारे 5 साल से लगातार कार्य कर रहे हमारे पेशकार जो थे, चौबे जी थे, अरविंद चौबे, उनका शासन की नीति के तहत ट्रांसफ़र हुआ है और उन्होंने चार्ज दे दिया था, इसलिए उनके सम्मान में, स्थानांतरण में सम्मान समारोह नगर निगम में तो आज तक नहीं हुआ 50 साल में। लेकिन मैंने ये सीखा है कि कोई भी कर्मचारी जिसके साथ कार्य किया जाए उसका सम्मान होना चाहिए। तो सर, इस तरह के कार्यक्रम किसी और नगर निगम के ऑफिस में हुआ करते हैं या आपने ही अपने ऑफिस में प्रारंभ किया है? जहाँ तक हमारे यहाँ जो RITI जिन्होंने सेवा 35 साल कर ली या जिनका सम्मान समारोह हुआ, उनका तो यही कहना था कि आज तक नगर निगम में विगत 50 सालों में ऐसा सम्मान समारोह नहीं हुआ है। तो सर, ये प्रथा आपने मतलब स्टार्ट की है और मेरा ये कहना है कि आप इससे क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे नगर निगम के सारे अधिकारियों को? नहीं, ये प्रथा नहीं है, ये मेरा कार्य है। मैं जब से सेवा में आया हूँ और जो मेरे साथ अच्छा कार्य किया है, जो भी कार्य किया है, उसको मैं सम्मान एक मैसेज देना चाहता हूँ कि वर्क इज वर्शिप,
और आप जहाँ जाएं अच्छा काम करें और निष्ठावान बने, जिसकी रोजी रोटी खाते हैं उस संस्था के प्रति, उस राज्य सरकार के प्रति आप निष्ठा से कार्य करें, यही मेरा संदेश है। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। वाराणसी के कई क्षेत्र हुए बाढ़ प्रभावित, आला अधिकारियों ने क्षेत्रों में पहुंचकर लिया जायजा। माँ कुष्मांडा के वार्षिक श्रृंगार पर आयोजित समारोह की दूसरी निशा में बही संगीत की त्रिवेणी। लोक समाज पार्टी ने महंगाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। और वुमेन्स एरा व साक्षी क्रिएशन द्वारा आयोजित हुआ भव्य तीज उत्सव। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।